सीएम धामी की सीट पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। सीएम धामी के लिए चंपावत विधायक ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि विधायक कैलाश गहतोड़ी ने संगठन को इस्तीफा सौंपा है, जिसके बाद अब साफ हो चुका है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कैलाश गहतोड़ी के त्याग पत्र को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं बीजेपी की 24 अप्रैल को बैठक होगी। इस बैठक के बाद सीएम धामी की सीट का ऐलान किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस मिशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड में पेयजल संकट को लेकर फीडबैक लिया, साथ ही चारधाम मार्गों में पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई। और वही उत्तराखंड में आईएएस अफसरों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सचिवालय में फेरबदल करते हुए 22 अफसरों के विभाग बदल दिए हैं, जिसमें गृह विभाग, वन, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास विभाग में फेरबदल किया गया है। इसी के साथ ऊर्जा, परिवहन, कार्मिक, आबकारी, खनन विभाग के अफसर भी बदले गए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही वे सीएम की अपर मुख्य सचिव भी होंगी। तो वहीं मुख्य सचिव एसएस संधु को अतिरिक्त दायित्व मिला है, वे अब दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त होंगे। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कृषि उत्पादन आयुक्त बनाए गए हैं, उन्हें ग्राम विकास, इसी के साथ ही शहरी विकास राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो वहीं आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के नए सचिव होंगे, साथ ही मीनाक्षी सुंदरम के पास ऊर्जा विभाग भी रहेगा। अभिनव कुमार अपर प्रमुख सचिव से विशेष प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते बढ़ती बिजली कटौती और इसी के साथ ही बिजली खपत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। इस पर सीएम धामी ने कहा कि बिजली संकट को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, खपत और कटौती की समस्या का समाधान करेगी। लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी अच्छा रास्ता होगा, अच्छा रास्ता हम लोग करने के लिए हमारी लगातार समीक्षा जारी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में उसका समाधान निकाला जाए। ऐसा करके कल हमने जो हमारे ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण हैं और अधिकारीगण हैं, सभी ने हमने चर्चा की, जल्दी हम उसका रास्ता निकाले। और वहीं देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने अपने आवास पर खेल विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रेखा आर्य ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करने के लिए भी कहा। वहीं उधम सिंह नगर में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को खोलने के लिए प्रस्ताव बनाया जाए, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक ली और खेल विभाग में किस प्रकार से हम लोग अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की जो खेल से संदर्भित उनकी घोषणाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। तो विभाग की ओर से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को हर प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से मिल सके। और विशेषतः मेरा भी फोकस है कि हम बालिकाओं को स्पोर्ट्स की दिशा में हम लोग और प्रेरणा दे सके और प्रोत्साहित कर सके। तो मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है कि हम लोग बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो खोलेंगे और निश्चित रूप से हम सबकी तैयारी भी उस ओर है और हम लोग रुद्रपुर में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। और वही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कौशल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास विभाग के कामों की समीक्षा की। इस मौके पर रितु खंडूड़ी शैल के क्षेत्र में युवाओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि युवाओं को लाभ मिल सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। और कोशिश की जानने की कि स्किल में उत्तराखंड में किस तरह का कार्य हो रहा है और उसको किस तरह और सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ बाहर निकल के आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उत्तराखंड का जो स्किल का जो डिपार्टमेंट है वो और अच्छा काम करेगा। और जो युवाओं को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयबल हो सकें, इस तरह की प्रशिक्षण देने की भी आज बातचीत हुई। साथ ही साथ कोटद्वार के बारे में भी मैंने बात की और ये इंसिस्ट किया वहाँ कि हमारा सिडकुल है तो सिडकुल के साथ बातचीत होनी चाहिए। मुझे बाहर आवश्यकता नहीं है देखने की, मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी बच्चियां हैं, उनको वहीं अब्सॉर्ब होने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं उनको इस तरह के स्किल दिए जाएं जो वहां की इंडस्ट्रीज़ में की आवश्यकता है। और वे उत्तराखंड में रोडवेज और निजी बसों में यात्रा करना महंगा होगा। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से पहले परिवहन विभाग किराया बढ़ाएगा। विभाग यात्रा से पहले नई किराया नीति लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं इस नीति के तहत 30% तक किराया बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने किराया बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल फिटनेस शुल्क महंगा होने के कारण बताए हैं। और वहीं इन दिनों मौसम में गर्मी का असर हिमालयी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गर्मी के चलते चमोली में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर काकभूशुंडी की पहाड़ियों में हिमखंड पिघलना शुरू हो गया है। हिमखंड के पिघलने से बर्फ की नदी बह रही है। इस पर सीएम धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारा प्रदेश कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है, हमें हर साल इस तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है और हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब 17 और 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसकी हमें पहले से सूचना मिल गई थी। उसका ये लाभ हुआ कि पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ 1 लाख से भी अधिक पर्यटक सरगर्म थे और एक भी हताहत नहीं हुआ था। उसको लेकर अभी हम जल्दी और भी, हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा। और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग। और वहीं सौरभ बहुगुणा मसूरी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश पर चीनी मिलों को अति आधुनिकीकरण की रफ्तार मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ पर पशुपालन की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की सरकार लगातार काम कर रही है। ये सारे ऐसे विभाग हैं जिनसे हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक हमारी जो मातृशक्ति, उनको सशक्त भी बना सकते हैं और युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। मैंने जब पहले ही अपनी रिव्यू बैठक ली अधिकारियों के साथ, जब मुझे मंत्रालय मिला, तो उसमें हमारे मंत्रालय के द्वारा पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है, पशुपालन को लेकर, मत्स्य पालन को लेकर, दुग्ध उत्पाद को लेकर। और आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 6 पर्वतीय जिले ऐसे हैं जिसमें हम मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, हिमालयन ट्राउट के हम लोग फार्मिंग करा रहे हैं। और उन लगभग 17-18 में हमारी जो ट्राउट फार्मिंग की उत्पादन था वो लगभग 30 टन था। आज के दिन हम उसको 300 टन तक ले गए हैं और 2025 तक हमारा टारगेट है उसको 5000 टन तक पहुँचाने का। 1800 रुपये किलो पे वो फिश यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, दिल्ली मुंबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो ट्राउट फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है
और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। उसी तरीके से जब आप पशुपालन में जाते हैं तो हमारे मुर्गी पालन में बहुत बड़ा हिट हुआ है। पिथौरागढ़ ज़िला अगर आप देखेंगे तो पूरा मुर्गी पालन पर ही सस्टेन कर रहा है। हमने जो SC ST हैं हमारे समाज के लोग, उनको हम 50 मुर्गी बच्चे फ्री देते हैं ताकि वो अपना काम चला सकें। और वहीं चंपावत ज़िले में फ्रॉड कॉल का मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि एक शातिर खुद को DM विनीत कुमार बताकर व्हाट्सएप पर लोगों से रुपए मांग रहा था, तो वहीं मामले में DM विनीत कुमार ने FIR दर्ज कराई है। अधिकारी विनीत कुमार ने सभी अधिकारियों और ज़िलेवासियों के लिए एक मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने ऐसे किसी भी कॉल और मैसेज के झांसे में न आने की अपील की है। साथ ही कहा कि यदि उन्हें कोई मैसेज और कॉल करनी होगी तो उनके आधिकारिक नंबर से ही की जाएगी। बेसिकली घटना इस प्रकार से हुई है कि कोई व्यक्ति DM साहब के नाम से एक व्हाट्सएप से मैसेज भेज रहा है कि वो खुद को अपने आप को DM चंपावत बता रहा है तथा किसी के बीमार अपने परिजन के होने के नाम पे कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है। ये पूरी तरह से फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड व्यक्ति है। इसको लेके ध्यान में रखते हुए तत्काल इसमें थाना चंपावत में हमने FIR इसमें तुरंत दर्ज कर दी है। SOG को भी एक्टिवेट कर दिया इसको पकड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं दूसरे लोगों और अधिकारियों को भी संबंध में सचेत करना चाहूंगा, अगर इस तरह कोई मैसेज आते हैं या किसी अन्य के लिए भी अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो कृपया सावधान रहें कि पूरी तरह वेरीफाई करने के बाद ही उसमें कोई काम करें। और वहीं हरिद्वार में कमर्शियल वाहनों को सड़क पर खड़ा करने पर अब कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सड़कों पर वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बनी रहती है जिसकी वजह से यातायात विभाग लगातार अभियान चला रहा है। तो वहीं SP मनोज कत्याल ने ये कहा है कि सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। में सबसे प्रमुख मुद्दा जो है ये पार्किंग का रहता है और जनरली हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इनके अलग अलग प्लान्स पार्किंग के तैयार किए हैं। मेन जो वीकेंड पे पार्किंग का प्रेशर है उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने कुछ नई पार्किंग आइडेंटिफाई की हैं, कुछ हमने जो पुरानी पार्किंग है उसमें स्पेस बढ़ाया है और साथ ही जो लोकल स्थानीय बाज़ारों में जो पार्किंग की समस्या है उसमें हमने थोड़ा वाइट लाइन का कॉन्सेप्ट लेकर के और आसपास ही छोटे छोटे एरियाज चिन्हित करके उसमें हम लोग पार्किंग की व्यवस्था बना रहे हैं। मेनली जो हमारा वीकेंड पे जो प्रेशर आ रहा है और इसके बाद आगामी चार धाम यात्रा जो है और इसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी इसके साथ ऐड हो जाती है, तो हम लोग इसमें मेन प्लान यही है कि जो यात्री आए उसको प्रॉपर पार्किंग का स्पेस मिले। और जो हमारे मेन दो बॉटल नेक किस समय बने हुए हैं, एक हमारा दूधाधारी चौक से सप्तऋषि तक जहाँ पर एक हाईवे का काम चल रहा है जहाँ पर हमने सारा ट्रैफिक सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया हुआ है, वहाँ पे हम वन वे उसको फॉलो करा रहे हैं। और साथ में एक हमारा और हाईवे निर्माणाधीन है जो चंडी चौक से लेकर के नजीबाबाद तक हमारा NH है, तो उस पर भी हम लोग जगह जगह पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।